Brought to you by Tecno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. गुरुवार की शाम सनसनी मच गई जब तृणमूल कांग्रेस ने ममता बैनर्जी की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। जख्मी हालत में दिख रही थी ममता बैनर्जी, आंखें बंद करके लेटी हुई थी और सिर से खून टपक रहा था। खबर आई कि घर में गिरने से ममता बैनर्जी को चोट लगी है। देर शाम ममता बैनर्जी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट गई, लेकिन चोट को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं जिनके जवाब नहीं मिले। साजिश का एंगल भी तलाशा जा रहा है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने ममता बैनर्जी को घर में लगी चोट की घटना पर जांच बिठा दी है। सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। कोलकाता के कालीघाट में ममता बैनर्जी अपने घर में रहती हैं। जेड प्लस सुरक्षा घेरे में रहती हैं। घर में भी उनकी सुरक्षा की टीम रहती है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि घर में ममता बैनर्जी के साथ आखिर हुआ क्या। हादसा या साजिश का सवाल भी खड़ा हुआ है। ममता बैनर्जी का इलाज कर रहे SSKM अस्पताल के निदेशक मणिमॉय बंदोपाध्याय ने आशंका जताई है कि ऐसा लगता है कि CM को चोट पीछे से किसी के तेज धक्का देने के कारण लगी है। बाद में अस्पताल ने कहा कि बयान का गलत मतलब निकाला गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक CM ममता बैनर्जी ने कहा कि घर में किसी ने पीछे से उनको धक्का दिया था। मुंह के बल गिरने से माथे और नाक में गंभीर चोट लगी है। डॉक्टर्स ने ममता बैनर्जी के माथे और नाक के पास 3 टांके लगाकर उन्हें घर भेजा। उनकी हालत स्थिर है। PM मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। राज्यपाल CK आनंद बोस हालचाल लेने के लिए अस्पताल भी गए। ममता बैनर्जी के भाई कार्तिक बैनर्जी घटना के समय घर में नहीं थे। उनका कहना है कि ममता बैनर्जी अपने बेडरूम में थी, बिस्तर के पास गिरी थी, लेकिन ये सब कैसे हुआ उन्हें नहीं मालूम। ममता बैनर्जी को जख्मी हालत में उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। ममता बैनर्जी की भाभी और तृणमूल कांग्रेस की पार्षद कजरी बैनर्जी ने बयान से भी कंफ्यूजन हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि धक्का लगने से गिरी, फिर उन्होंने कहने लगी कि घर में धक्का कौन मारेगा। घटना से पहले ममता बैनर्जी ने शाम में घर के पास घरिहाट में तृणमूल नेता रहे सुब्रत मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण करने गई थी। घर लौटने के बाद गिरने या धक्का जैसे किसी घटना के कारण चोटिल हुई। 69 साल की ममता बैनर्जी पिछले 2 से 3 साल में कई बार हादसे का शिकार हुई हैं। कभी सड़क से ट्रैवल करते हुए, कभी फ्लाइट में और अब घर में उन्हें चोट लगी है। जनवरी में बद्राम से कोलकाता वापस लौटते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। पिछले साल जून में खराब मौसम के बाद सिलीगुड़ी के पास सेविक एयरबस पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान चोट लगी थी। 2021 में विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में प्रचार करते समय के दौरान उनका पैर टूट गया था। ममता बैनर्जी ने प्लास्टर लगाकर व्हीलचेयर से प्रचार करती रही। आखिरकार चुनाव में उनकी जीत हुई थी। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।